गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं और आज हम देखेंगे समय से संबंधित कुछ सवाल, और आज हम समय को जोड़ना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक ही सवाल लिया है और एक बड़ा सा सवाल लिया है, ठीक है। दो सवाल के लिए जगह कम पड़ेगा, एक सवाल से समझिए। और मैं कहता हूँ इस सवाल को अगर आपने समझ लिया तो आप समय के कैसे भी सवाल को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए, 6 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड में हमें जोड़ने हैं 2 घंटे 25 मिनट और 35 सेकंड, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 6 घंटे 40 मिनट और 45 सेकंड, और इसमें हमें जोड़ना है 2 घंटे 25 मिनट 35 सेकंड। तो घंटे के नीचे घंटे, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड लिखेंगे। तो 2 घंटे घंटे के नीचे लिखते हैं 2 घंटे, मिनट के नीचे 25 मिनट और सेकंड के नीचे 35 सेकंड, यह हो गया। अब क्या करें, अब इसे हम जोड़ते हैं। तो सेकंड से पहले जोड़ेंगे, फिर मिनट को और फिर घंटे को। तो चलिए सेकंड सेकंड जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 की 0, हासिल यहाँ 1 और 1 और 4 5 3 8 80 सेकंड, यहाँ मिनट को जोड़ते हैं 0 और 5 5 और 4 2 6, यह हो गया 65 मिनट। और 6 2 8 घंटे, तो हमें यहाँ मिला 8 घंटे 65 मिनट 80 सेकंड, ठीक है। पर यह आखिरी उत्तर नहीं है, आप देखेंगे 8 घंटे सही है, 8 घंटे, यहाँ है आपके पास 65 मिनट। आपको पता होगा कि जो 60 मिनट है उसके अंदर 1 घंटे होते हैं, मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यहाँ 65 मिनट है, 60 मिनट से अधिक है, मतलब यहाँ 1 घंटे शामिल है, यहाँ से हम 1 घंटे अलग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ है 80 सेकंड, आपको यह भी पता है कि जो 60 सेकंड होता है वह 1 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 80 सेकंड है, 60 सेकंड से ज़्यादा है, तो यहाँ भी 1 मिनट है, ठीक है। तो उन सबको हमें अलग करना है, तो अलग करने के लिए इस सवाल को हमें और आगे बढ़ाना होगा। हम लिखते हैं 8 घंटे और जोड़ के रूप में लिख लेते हैं धन 65 मिनट और फिर धन 80 सेकंड। अब क्या करें, 8 घंटे, अब हम इसमें से 60 मिनट अलग कर लेते हैं, तो यह हो गया 60 मिनट और कितने मिनट बच गए, 5 मिनट, तो 5 मिनट को अलग कर लिए। इन दोनों को जोड़कर देखिए, 60 और 5 65 मिनट, ठीक है। यहाँ भी वही करना है हमें, 80 सेकंड में से 60 सेकंड अलग करते हैं, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, तो यह 60 सेकंड और कितना बच गया उसे अलग लिख लेते हैं, तो 60 20 और बच गए, तो 20 सेकंड, 60 और 20 80 सेकंड के बराबर। आगे बढ़ते हैं, 8 घंटे, इस 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख लेते हैं, तो 1 घंटा और
5 मिनट ही रहने देते हैं, और यह 60 सेकंड जो है 1 मिनट के बराबर है, तो इसको लिख लेते हैं 1 मिनट, और यह 20 सेकंड को 20 सेकंड ही रखते हैं। अब देखिए, जो एक जैसे हैं उन्हें आपस में हम जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए 8 घंटे और 1 घंटे, तो ये घंटे घंटे जुड़ गए, 8 और 1 9 घंटे हो गए। फिर यहाँ 5 मिनट और 1 मिनट, यह हो गया 6 मिनट, और फिर यहाँ जो बच गया 20 सेकंड। एक बार आगे और चलते हैं, तो हमें मिला क्या, 9 घंटे 6 मिनट और 20 सेकंड। तो ये इसका आखिरी हल है, ये आखिरी उत्तर है। तो हमने क्या देखा, जब भी हमारे पास समय के इस तरह के सवाल होंगे, एक बड़ा सा सवाल, तो आपको यह याद रखना होगा कि 60 मिनट जो है 1 घंटा के बराबर होता है, और अगर सेकंड है तो 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। इसमें मिनट भी है, सेकंड भी है। तो हमने क्या किया, जैसे 65 मिनट आ गए, हमें पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो इस 65 में से हमें 1 घंटे अलग करने हैं। वह हमने किया, 60 मिनट को अलग किया और 5 मिनट को अलग, तो 60 और 5 65 मिनट तो बराबर हो गए, और यह 60 मिनट जो है 1 घंटे के बराबर, तो उसको हमने बदल लिया 1 घंटे में। यहाँ भी हमने सेकंड को 60 सेकंड अलग किया, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, मतलब इस 80 सेकंड में कहीं ना कहीं 1 मिनट छुपा हुआ है, ठीक है। तो उस 60 सेकंड को हमने अलग किया और 20 सेकंड अलग, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह 80 सेकंड के ही बराबर है, 60 सेकंड और 20 सेकंड 80 सेकंड हो गए। अब अगली कड़ी में हमने जो 60 मिनट है उसको 1 घंटा में बदल लिया, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इस 60 सेकंड को हमने मिनट में बदल लिया, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अब क्या करते हैं हम, जो घंटा घंटा है एक जैसा है उसे हम जोड़ लिए, तो 8 घंटा और 1 घंटा 9 घंटा हो गया। यहाँ 5 मिनट और 1 मिनट 6 मिनट हो गए, और जो 20 सेकंड है वह तो 20 सेकंड, और इस तरह से हमें मिला 9 घंटे 6 मिनट 20 सेकंड। तो ऐसे कुछ और सवाल लीजिए, 1, 2, 3 सवाल जैसे ही आप हल करेंगे, आपको यह आसानी से समझ आने लगेगा, और आपको यह सब ध्यान रखना ही है, जोड़ के जैसे भी सवाल हो आपको इस तरह बदलना आना चाहिए।